आरबीएस के टीम के चिकित्सकों द्वारा मोबाइल ओपीडी के तहत तहसील सदर के ब्लॉक खोराबार व चरगावा पिपराइज एवं पिपरौली में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत बेलीपार और पिपराइज क्षेत्र में बाहर से आए हुए प्रवासी श्रमिकों एवं ग्राम के अन्य ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। शिविर के दौरान ऐसे प्रवासी श्रमिकों एवं ग्राम के अन्य ग्रामीणों जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन सभी का पूर्ति विभाग के माध्यम से राशन कार्ड भी बनवाया गया तथा राजस्व विभाग द्वारा गांव के चक्रोड, तालाब, चकनाली के विवादित मामलों का निस्तारण भी किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया। अभी कोई दिखाने आ रहे हैं तो ज्यादा किस तरीके के हैं? प्रवासियों में बुखार की समस्या नहीं थी, बाकी जो लोग जैसे बुजुर्ग हैं उनको सर ज्वाइंट पेन है या साठिका है तो वो ज्यादा दिक्कत है और उनको भूख नहीं लग रही है, किसी को सर घबराहट ज्यादा हो रही है तो वो सर अवस्था है वो तो आप मेडिसिन दे रहे हैं? जी सारी मेडिसिन दे रहे हैं। हमारे पास सर अपॉइंटमेंट का फोन आ गई है, सीरप है सर, सीरप आयरन सीरप भी होगी ना? सर ये आयरन सीरप है, मल्टीविटामिन दिखाइए, मल्टीविटामिन जो एडल्ट वाला, सर ये मल्टीविटामिन है जो एडल्ट में देना, कैल्शियम लीजिए एक पत्ता, कटा नहीं कटा नहीं पैरासीटामोल होगा जी, बी सी माफ करिए, ये है कैल्शियम मैं दे रहा हूँ। अच्छा, अच्छा कैल्शियम है सर, इसमें डी विटामिन डी भी है, ऑब्जेक्शन करने का काम सब करेगा, प्लस आयरन फोली कैसे दिखाऊँ? आयरन फोली दिखा दिए, देखिए शासन की जो योजनाएं हैं उनका तो लाभ मिलेगा आपको, बदले में आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ये जो कोरोना का संक्रमण है इसके खतरे को हमें रोकना है। अब कैसे रोकेंगे? क्योंकि आपको लग रहा हो कि आप स्वस्थ हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, जबकि होता क्या है, क्योंकि डॉक्टर साहब भी हैं यहाँ पे, वो बताएंगे आपको, एक भी व्यक्ति अगर शेष रह जाता है वो व्यक्ति पूरे गांव में फैला सकता है, पूरे गांव में। और अब तो क्या है, ये संक्रमण ऐसा है कि आपको कोई लक्षण नहीं आएगा, आपको कोई खांसी नहीं होगी, कोई जुकाम नहीं होगा, कोई गले में दर्द नहीं होगा, इसके बाद भी वो पॉजिटिव हो जा रहा है। आपको लगेगा जैसे मैं हूं, मैं लग रहा हूं कि अच्छा है स्वस्थ, ऐसा बात कर रहे हैं, हो सकता है हमारे अंदर भी हो, तो इस तरीके के केसेस बहुत आ रहे हैं। देखिए हम लोगों का जैसे बेसिकली स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उनके घरों तक पहुंचाने के लिए उसकी श्रृंखला में ही इस तरीके की शिविरों का आयोजन किया जा रहा है मोबाइल ओपीडी के नाम से, क्योंकि जिन गांवों में अधिकतर प्रवासी श्रमिक जहां पे आए हैं, अब ओपीडी चूँकि अस्पतालों में बंद हैं, सीएससी में बंद हैं, तो हमने स्टार्ट किया डीएम साहब के निर्देशन में कि मोबाइल ओपीडी के माध्यम से हम गांव में पहुंचे हैं, लोग घर से बाहर ना निकले हम ही लोग पहुंच जाएं, तो हमने गांव-गांव में इस तरीके के शिविर लगाए हैं मोबाइल ओपीडी। कल भी दो गांव गए थे हम खुराबार ब्लॉक के, और आज भी हमने थाना बेलीपार में गांव लिया था जंगल दुर्गसेन सिंह, और अपना यहाँ पे करमाहा चरगांव ब्लॉक में आज गांव लिया था। इसमें मोबाइल ओपीडी के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श साथ के साथ दवाइयों का वितरण भी निःशुल्क किया जा रहा है। कल भी लगभग 400 से अधिक लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया है, दवाइयाँ दी हैं। आज भी लगभग 350-400 लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया, दवाइयाँ दी हैं। साथ के साथ मोबाइल ओपीडी के माध्यम के अलावा भी जो लोग प्रवासी श्रमिक बाहर से आए हैं उन सभी को राशन किट का वितरण, और उनका जो डेटा जो 1000 रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए जाने हैं, उन सबका शासन की जितनी भी योजनाएँ उन सबका लाभ उनको दिया जाए। उन सभी शासन की योजनाओं के द्वारा पूरे गांव का संतृप्तिकरण हम कर रहे हैं इन शिविरों के माध्यम से। इसके अलावा भी जो राजस्व के मामले, अब देखने में आया कि राजस्व के मामलों में विवाद बढ़ रहे हैं, लोग काफ़ी आए हैं गाँव में तो विवाद बढ़ रहे हैं, तो ऐसे विवादों का हम गाँव में तुरंत निस्तारण कर रहे हैं। चकमार्ग का हो, चाहे तालाब का सौंदर्यीकरण हो, चाहे खेल के मैदान का सौंदर्यीकरण हो, क्योंकि हमें मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देना है, प्रवासी मजदूरों को काम देना है, तो मनरेगा के तहत कौन से कार्य लिए जाने चाहिए तो उसके लिए चिन्हांकन करना, उसके बारे में बताना, ताकि ऐसे प्रवासी श्रमिकों को एक तरफ रोजगार भी मिले और दूसरी तरफ चकमार तालाब के द्वारा आने वाले दिनों में जो बाढ़ हो सकता है आए बारिश का पानी, उसके लिए भी जल संसाधन पर्याप्त
तैयार रहें उस तरीके के खतरे को झेलने के लिए, उस तरीके के पानी के उसको झेलने के लिए, ये भी हम सुनिश्चित करा रहे हैं। गाँव में वरासत के जितने भी मामले हैं वो सब संतृप्त किए जा रहे हैं। धारा 24 पैमाइश के जितने मामले वो सब संतृप्त किए जा रहे हैं। और आय जाति मूल्यवास उस गाँव से संबंधित जितने भी प्रमाण पत्र हैं उन सबको वहीं के वहीं शॉर्ट आउट किया जा रहा है। तो राजस्व विभाग के द्वारा भी हर उस गाँव को एक तरीके से जितने भी राजस्व विभाग के कार्य होते हैं उस सारे कार्यों से संतृप्त किया जा रहा है। साथ के साथ हमने पूर्ति विभाग को भी बोला है कि गाँव में बचे हुए सभी पात्र वंचित गृहस्थ सभी का आपको राशन कार्ड बनाना है। तो आज लगभग एक गांव में कर्मा में 40-101 के आसपास राशन कार्ड कल हम गए थे उस गांव में, उसमें भी लगभग 20-22 के आसपास राशन कार्ड बने। तो पूर्ति विभाग के द्वारा भी उस गांव को हमें संतृप्त कर देना है, कोई भी पात्र परिवार ना छूटे जिसको राशन कार्ड ना मिला हो। इसके अलावा श्रम विभाग को भी लगाया जा रहा है ताकि श्रम जितने भी प्रवासी श्रमिक आए उनका पंजीकरण किया जा सके और उनको उपलब्ध रोजगार प्रदान किया जा सके। विकास विभाग को भी लगाया है ताकि जो जिन कार्यों को हम चिन्हांकन कर रहे हैं तो उसको विकास योजना में लेके उन पर कार्य शुरू किया जा सके। तो कंसेप्ट ये, उद्देश्य ये है कि सभी विभागों को एक साथ लेकर उस गाँव का पूरी तरीके से संतृप्तिकरण हो, साथ के साथ मोबाइल OPD के माध्यम से उनका स्वास्थ्य परीक्षण हो, दवाइयों का वितरण हो और पूल सैंपलिंग कुछ जहां हमें लगता है कि 60 साल से ऊपर है कोई मुंबई से आया है तो उन लोगों के द्वारा उनका भी हम पूल सैंपल करा रहे हैं, सैंपल करा के जांच करवा रहे हैं कोरोना के कोई संक्रमण का खतरा तो नहीं है। तो बेसिकली इन गांव में हमने शिविर लगाया है, अभी भी और भी शिविर लग रहे हैं। तो हमारा पूरा उद्देश्य है कि जून के महीने में तहसील सदर के सभी गाँवों में इस तरीके के शिविर लग जाएँ ताकि एक तरफ हमारे राजस्व विवादों में राजस्व कंप्लेंट में कमी आए और दूसरी तरफ हर शासन की हर योजना का लाभ घर घर तक गाँव तक पहुँचे और कोरोना चलते जो भी स्वास्थ्य के लेके संक्रमण को लेके खतरा है उनको जागरूकता के साथ साथ निगरानी समितियों को सशक्तिकरण किया जाए और लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाए, ये हमारा उद्देश्य है।